इस साल मौसम ने बार बार अपने रुख में तब्दीली की, जिसके परिणाम स्वरूप इंदौर में विशेष रूप से मालवा क्षेत्र के अंदर कई तरह की बीमारियों ने अपनी जगह बना ली, जिनमें से चिकनगुनिया बुखार, स्वाइन फ्लू तथा वायरल जैसे बुखार प्रत्येक घर में किसी न किसी को हो रहे हैं। इससे बचाव के लिए सरकार ने अपनी तरफ से जो प्रयास किए वो प्रयास सफलतापूर्वक जनता तक नहीं पहुंच पाए। MYH हॉस्पिटल आज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें भी बच्चों के लिए जो सायरन भेजे गए थे वो नहीं पहुंच पाए, और सायरन की जगह आजकल चिकित्सक बच्चों को छोटी छोटी टेबलेट्स को पीस पीस करके उनको पिला रहे हैं। इसके साथ साथ सरकार ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए जनता में भी जागरूकता लानी बहुत जरूरी थी, और जनता को विशेष रूप से ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपने पास आसपास गंदगी ना होने दें। चिकनगुनिया के मच्छर जो है वो विशेष रूप से दिन के उजाले में काटते हैं, और स्वाइन फ्लू के मच्छर जो है वो गंदगी के कारण पनपते हैं। तो सभी नागरिकों से ये भी निवेदन है कि वो अपने आसपास गंदगी ना होने दें, तथा सरकार इस तरफ अपना विशेष ध्यान रखे कि प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सालय में इन बुखारों से बचने के लिए हर तरह की दवाइयां अति शीघ्र उपलब्ध करवाएं।